हाल ही में जब मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन ने फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली बेस्टल परेड के लिए इनवाइट किया था, तब कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स थे जिसे हम सभी को जरूर जानना और देखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है अभय सिंह। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दरअसल जब मोदी जी वहां गए थे तब फ्रांस ने मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। ये फ्रांस के कल्चर में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अवार्ड होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में इससे बड़ा अवार्ड फ्रांस के सरकार में नहीं दी जाती है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्रांस का भारत रत्न है। तो ये सम्मान दिया गया है इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी को, जो कि इससे पहले न कभी चीन के राष्ट्रपति और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा सम्मान मिला था। और इस चीज को मोदी जी ने ट्वीट कर बताया कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, और इससे पता चलता है कि इंडिया की पावर पूरे दुनिया में कितनी सराहनीय है। देखिए ये एक छोटा सा क्लिप। नरेंद्र मोदी, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand croix de la Légion d'honneur. और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बहुत आभारी। Yes, and the order was created by Napoleon. Cher Narendra, साथ ही उन्होंने वीडियो में ये भी बताया कि जब वो फ्रांस के एयरपोर्ट पर पहुंचे तब खुद वहां के पीएम एलिजाबेथ बोर्न उन्हें रिसीव करने आई थी। दोस्तों ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश के नजर में भारत के लिए कितना सम्मान है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, बल्कि अब फ्रांस ने ऑफिशियली यूपीआई एक्सेप्ट कर पूरे भारतवासियों का सम्मान किया है। इस बारे में मोदी जी ने क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का है। साथ ही इंडिया और फ्रांस के बीच कुछ डिफेंस डील भी हुई है, पर उसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है। इसलिए अगर इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन आएगी तो जरूर बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।